नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी नगर में और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश राज हज समिति के सदस्य इफ्तिखार हुसैन साहब। यहाँ पर घोसी में इनका कार्यक्रम था, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का उनका कार्यक्रम था और सरकार किस तरह काम कर रही है, उस पर भी हम सवाल पूछेंगे। घोसी लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। घोसी में आपका आना हुआ किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, घोसी से हमारा सिलसिला बहुत पुराना है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के कारण कई बार हमारा यहाँ आना हुआ है। आज का जो कार्यक्रम था विशेष रूप से दो, एक तो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठ करके कुछ बातचीत करना, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के कारगुजारियों पर चर्चा करना, और दूसरा था कि इस साल हज 2023 के फार्म को फिलअप करने का काम चल रहा है जिसकी आखिरी तारीख है 10 मार्च 2023। तो उससे पहले किसी को कुछ कोई दिक्कत या कोई भी हेल्प जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं तो इस ज़िले में, इस घोसी तहसील में हमारे डॉक्टर दिलनवाज साहब बहुत ही अच्छे और तेज तर्रार युवा, बिल्कुल समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, सिपाही भी हैं पार्टी के, और साथ ही में फिरोज खान तलवार भी हैं हमारे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पे एक हमने उसका उद्घाटन किया है हेल्प डेस्क, जो कैंप है एक तरीके का, और सिस्टम से उसमें ऑनलाइन हज फॉर्म के एप्लीकेशन को चलाने के लिए और अप्लाई जो लोग हज पे जाना है जिनको इस साल, वो इस एरिया में उनको कोई दिक्कत परेशानी हो या वो ऑनलाइन मदद चाहते हो तो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट ये मदद कर कर के और उनके फॉर्म को फिलअप कराएंगे और उनकी यात्रा जब तक फ्लाइट नहीं हो जाएगी उनकी मक्के के लिए, सऊदी अरब के लिए, तब तक ये लोग फॉलो अप उनका करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि उनको हज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और जैसे कोई बात अगर आती है, विषय आता है किसी भी लेवल पर, तो आप लोग हमसे बताएंगे, और यूपी स्टेट हज कमेटी का मेंबर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि उसका उसको सॉर्ट आउट कराऊं और उसमें बात करके उसको ठीक कराया जाएगा। इफ्तिखार साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी के भी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा पहले आया, सबका साथ सबका विकास, बाद में वो बढ़ा, सबका विश्वास भी हुआ, उसके बाद सबका प्रयास भी नारा जुट गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि एक बड़ी कम्युनिटी आपके साथ जुट नहीं पा रही है, या जो आप कहा है कि सबका विश्वास, उस पर किस तरह उनको विश्वास मिलेंगे? देखिए, जो हमारा पार्ट है, मतलब बीजेपी का या गवर्नमेंट का, जो भी कहें आप, दोनों एक ही है, उसमें कहीं पीछे हम नहीं हैं। अब प्रॉब्लम उधर है थोड़ी, जो मुस्लिम तबका है खासतौर से माइनॉरिटीज़ में, अकलियत समाज में, उसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट अभी भी है, हालांकि पहले से बहुत अच्छा हो गया है। जो हम लोग आज से 10-15 साल पहले देखते थे जब काम करते थे फील्ड में, उससे अभी माहौल बहुत अच्छा है। वक्त लग रहा है धीरे धीरे समझाने का, वह प्रक्रिया वह काम लगातार संगठन और सरकार दोनों कर रही है, और हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे और कर रहे हैं, और समाज के सभी वर्गों में हम लोग जाते हैं, और सरकार तो सबको एक समान निगाह से देखती आ रही है और देखेगी, और सबके लिए वो काम कर रही है, और उसकी कारगुजारियों को बताना और जा करके उनको सच्चाई से अवगत कराना, यही मेरी ड्यूटी है और इस काम को हम लोग कर रहे हैं। एक प्रदेश सरकार द्वारा एक सिस्टम चल रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, बुलडोजर प्रक्रिया सभी दोष किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि उसमें भेदभाव हो रहा है, कुछ विशेष कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का, लेकिन अगर ईमानदारी से आप देखेंगे तो कोई भी समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं है बिरादरी का कि जो उसके दायरे में ना आया। जिसका काम ऐसा रहा है, जो लोग इस प्रकार का काम करते रहे हैं, आज उनके लिए संकट है। माफिया, गुंडे, बदमाश, इस तरीके के जो लोग हैं, अवैध कब्जा करने वाले लोगों की ज़मीन पर, मकान पर, उनके लिए इस सरकार में संकट है और वो रहेगा और रहना भी चाहिए। सिर्फ कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, जब तक डिमोलिशन का आर्डर प्रॉपर कोर्ट नहीं देती है, बुलडोजर अपनी जगह से मूव नहीं करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार जिस काम को करती है तो बात का बहुत, उसको बढ़ाया बहुत जाता है,
बड़ा बताया जाता है कि फलां बिरादरी के खिलाफ, फलां समाज के खिलाफ सरकार, ऐसा काम नहीं, ऐसा नहीं है। समाज के हर वर्ग, जिस जाति, जिस धर्म का भी व्यक्ति ऐसा है वो उसके दायरे में है। आपके इस मऊ ज़िले के आसपास के ज़िलों में कई ऐसे माफिया सरगना और अवैध कारोबारी पहले के जो रहे हैं पिछली सरकारों में सपा बसपा के ज़माने में, वो आज जेलों के अंदर हैं, सिकंजे में हैं, और उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई हो रही है। आप यहाँ से भदोही, मिर्ज़ापुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, इन सारे एरिया में, मुजफ्फरनगर में आप देख लें एक बार निगाह उठा करके, तो आपको सर्व धर्म और सर्व समाज के लोग मिलेंगे जो इसके दायरे में आते हैं। आखिरी सवाल कि जो आगामी चुनाव होने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग? जो हमारे मुद्दे 2014 में थे वही 19 में भी थे और वही करीब करीब 2024 में भी रहेंगे। आम जनता का कल्याण कैसे हो, इस देश की 140 करोड़ पब्लिक जो है जिसमें सभी लोग आते हैं, उनकी कामयाबी, उनकी तरक्की, उनके आराम, उनके अमन व अमान को कायम रखने के लिए जो ज़रूरी काम है वो सरकार कर रही है और आगे भी करेगी, और इसी विश्वास के साथ हम लोग चुनाव में हमेशा जाते हैं, और 2024 का भी चुनाव 2019 से भी बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। ये थे हज कमेटी के सदस्य इफ्तिखार हुसैन साहब, उन्होंने सरकार और समाज से जुड़े बिंदुओं पर खुलकर बातचीत की। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए घोसी लाइव के साथ।